देर में आती हूँ। हो गया लंच ब्रेक? हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, सुबह क्यों नहीं आ रहे थे? मैं आरती के लिए बुला रही थी ना बेटा। अरे मम्मी वो ना क्लास का टाइम हो गया था, बस 10 मिनट बचे थे, मेरा काम भी नहीं हो रखा था, मैम बहुत गुस्सा करती है वरना। क्लास के लिए तो तुम सब मैनेज कर लेती हो ना, थोड़ा भगवान के लिए भी मैनेज कर लिया करो। अरे मम्मी अब कर लूंगी ना। अच्छा तो मतलब अब भगवान तुम्हारी वेट करे कि मायरा मैडम फ्री हो तो मेरे पास आएंगी। तुम ही सबसे ज्यादा बिजी हो इस घर में, नैना भी तो पूजा करती है ना, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कल से आप देखो मैं बिल्कुल टाइम पे होंगी। देखते हैं। भगवान जी आज ना मेरा साइंस का एग्जाम है एंड उसमें से मुझे 13 चैप्टर बिल्कुल भी याद नहीं है, उसमें से प्लीज आप एक भी क्वेश्चन मत आने देना, प्लीज आज आप संभाल लेना, मैं प्रॉमिस रोज आपकी पूजा करूंगी, प्लीज प्लीज इसमें से बिल्कुल भी ना आए। 20 मिनट्स लेटर। क्या भगवान जी आपने मेरी इतनी से भी हेल्प नहीं की, उस चैप्टर में से मेरे 3 क्वेश्चन आ गए, वो भी इतने लंबे लंबे थे कि मेरा 12 मार्क्स का एग्जाम छूट गया, इतना गंदा हुआ मेरा आज का एग्जाम। मायरा इतनी उदास क्यों हो? अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भगवान कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा लड्डू गोपाल हूँ और मेरे पास लड्डू भी है। सच में? अभी मुझे बात कर लेते ना, अब बोलो क्या परेशानी है। मैंने आपको बोला भी था कि उस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन मत लाना, इतने सारे क्वेश्चन आ गए, मेरा बहुत गंदा हुआ है आज का एग्जाम। तुम तो इतनी जल्दी जल्दी बोल के भाग गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, थोड़ा आराम से समझाती, मैं भी तो छोटा हूँ ना। हेलो तोती है तभी तुम आते हो, रोज क्यों नहीं आती? हाँ वो तो है, मम्मी पापा तो आपकी रोज पूजा करते हैं, तो आपने मुझे ही दर्शन दिए, उनको क्यों नहीं? वो तो भगवान समझ के मेरी पूजा करते हैं, तुम तो एक फ्रेंड की तरह जैसे मेरे से लड़ने की, मुझे तो आना ही पड़ा ना, अपना समझ के झगड़ा किया जो कोई नहीं करता, इसलिए मैं आ गया। मैं तुम्हारा लोज वेट करता हूँ। क्या करूँ, मेरी इतनी क्लासेस और सारा काम होता है कि मैं पूजा कर ही नहीं पाती। अब समझता हूँ तुम बिजी रहते हो, ये भी 10 मिनट लोज दे सकते हो ना? नहीं मायरा तुम नहीं, बस सब बच्चों का ही ये हाल है, चीज के लिए टाइम है बस कोर्ट के लिए नहीं। अरे वाह आपको इंग्लिश भी आती है? वो इंग्लिश क्या, मुझे जो सारी भाषा आती है, मैं जिस भाषा में बात करोगे मैं भी प्यार से उसमें करूँगा बात। मैंने सोच लिया है कि कम से कम 10 मिनट तो मैं आपकी पूजा रोज करूंगी, क्योंकि आज मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आया मेरी पूजा से ही नंबर नहीं आएंगे, ये मार्क्स लाने हैं तो अच्छी पढ़ाई करनी होगी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ मार्क्स के लिए आपको परेशान नहीं करूंगी। मेरा क्या कर रही है यहाँ पर अकेली बैठी बैठी, चल मम्मी बुला रही है। आई इस वीडियो से क्या समझे, एक बार कम से कम अपने गॉड को याद करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, एक बहुत अच्छी आदत है। कहा इधर क्या है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आवर इंस्टाग्राम इज राइट देयर, टिल देन कीप वाचिंग राघव।